पंचर हो गया, अब मैं क्या करूँ? तला एक काम कर, तू नीचे उतर जा, मैं पंचर लगवा के आता हूँ, मेरा साइकिल पंचर हो गया। हाँ भाई, मुझे स्कूल से ले तो उसके जल्दी पंचर लगवा के लाना। अच्छा मैं भी आता हूँ। हाँ, इतनी देर हो गई है, अभी तक वो साइकिल को पंचर लगवा के आया क्यों नहीं? हाँ? ये कौन है इसके वाले इतनी स्पीड से आ रहा है? अंकल जी आप कौन है? बच्चे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कल जी हमारा साइकिल पंचर हो गया और मेरा भाई साइकिल को पंचर लगवाने गया। हाँ हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे भेजा है कि मेरे छोटे भाई को लेके आओ, वो तुम्हारा बड़ा भाई था ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। आप उनको सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बच्चे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं झूठ बोलता। आ जाओ बैठ जाओ रक्षे पे, आओ जाओ बैठ जाओ। बैठ गया ना? अब मैंने इस बच्चे को अपनी बातों में लगा लिया है, अब बड़ा मजा आएगा, अब मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और इसका भाई ढूंढता ही रह जाएगा। खड़ा किया था जी। अंकल जी आप मुझे कहाँ ले आए हो? बच्चे मुझे यहाँ भूख लग गई है, ये चीजें हैं, मैंने इसको खाना है, ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, और ये मैं तुम्हें भी दूंगा, ठीक है ना? ये पापड़ भी हैं, ये चिप्स भी हैं, बड़े मजे के हैं। अंकल जी आप मुझे चिप्स और पापड़ देंगे? हाँ बच्चे, ये चिप्स और पापड़ मैं तुम्हें भी दूंगा, आओ हम मिलके खाते हैं, ठीक है ना? अब मैंने इसको अपने जाल में फंसा लिया है। आओ उठो उठो, मिलके खाते हैं, चलो उतरो नीचे। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, बड़ा जल्दी, यहाँ बैठ जाओ। ये लो चीजें खाओ, ये तुम्हारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। ये लो पापड़ खाओ, ये लो, ये बड़े मजे के तुम्हें खाओ। वो ट्रेन आ रही है सामने से, लगता है मैं आज अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगा। ये तो बहुत नजदीक आ चुकी है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये लो बच्चे, आओ खाओ एंजॉय करो। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। दोस्तों कभी किसी अजनबी शख्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना इनकी बातों में आना चाहिए, और खास तौर पर अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।